हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो। तो जैसे कि आपको टाइटल एंड थंबनेल से देख के समझ आ गया होगा, दिस वीडियो इज अबाउट माय न्यू माइक। सो माय न्यू माइक इज द ब्लू स्नोबॉल आइस माइक, जो कि दो कलर वेरिएंट में आता है, वन इज ब्लैक एंड वाइट। मेरे पास ब्लैक वाला है एंड इसलिए इसका नाम है ब्लैक आइस। सो ये माइक काफ़ी ज़्यादा फेमस है फॉर यूट्यूबर्स, स्ट्रीमर्स, जो वोकल्स रिकॉर्ड करने में इंटरेस्टेड होते हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया माइक है। एंड इसका बॉक्स कुछ दिखने में ऐसा लगता है काफ़ी सही है। एंड सिंस ये प्लग एंड प्ले माइक है तो आपको ज़्यादा कुछ इसमें काम झाम करना पड़ता नहीं है, हेंस इसमें चीज़ें बहुत काफ़ी कम मिलती हैं। तो अगर आपने मेरे को पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो आपको पता होगा कि मैं टेक वीडियोस बनाता हूँ, मैं ट्रैवल वीडियोस बनाता हूँ। टेक में इतना हाईफाई नहीं बनाता बट स्टिल आई एम अ ट्रैवल व्लॉगर, बट मेरे को मन बहुत ज़्यादा करता है, इन सब में बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ तो मैं बनाता हूँ वीडियोस। एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सच ग्रेट रिस्पॉन्स ऑन माई प्रीवियस वीडियोज एज वेल। एंड सिंस आपको पता होगा अभी पैंडेमिक भरा हुआ है एंड लॉकडाउन लगा हुआ था, दिल्ली में लॉकडाउन कल से खुल रहा है बाय द वे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। बट हाँ, आई स्टिल सजेस्ट यू गाइस टू स्टे एट होम एंड आराम से चिल मारो अपने घर में, कोई ज़रूरत बाहर जाने की है नहीं अनटिल एंड अनलेस रिक्वायर्ड। सो अपना मस्त चिल मार के घर पे रहो। आई बॉट दिस माइक 2 days बैक अमेजोन पे एंड आज ही डिलीवर हो चुका है। ऑल्दो मैं ये माइक कुछ घंटे पहले खोल चुका हूँ बट मैं आपके सामने करने वाला हूँ एक फेक अनबॉक्सिंग फिर से दिखाने वाला हूँ कि कैसा क्या माइक है, कैसा क्या सिनेरियो है। एंड मैं आपको फटाफट से टेस्ट भी दूंगा कि कैसा ये साउंड करता है। So stay tuned and watch the video till the end. अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो एज वेल। तो जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा था, मैंने ये पूरा 3D पैनल इंस्टॉलेशन पूरा प्रोसेस दिखाया था एंड आई टोल्ड यू कि मैं कैसे प्लान कर रहा हूँ एक रूम स्टूडियो बनाने का। सो दैट वॉज द फर्स्ट स्टेप, जो मैंने ये रूम इंटीरियर के लिए मैंने थोड़ा डिज़ाइन किया था। एंड दिस इज सेकंड स्टेप, दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ अ स्टूडियो, द ऑडियो क्वालिटी। आपको पता होगा ऑडियो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड कितना ज़्यादा मैटर करता है। आई मीन अभी मैं अपने M50 पे अभी मैंने लगा रखा है बोया का MM1, जो कि काफ़ी सही माइक है फॉर बिगिनर्स अगेन। सो आपको पता ही होगा इंपॉर्टेंस साउंड का, आई मीन जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ऑडियो भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद द वीडियो, एक क्विक अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या कैसे कंटेंट वगैरह में आता है। एंड आपको मैं दिखाऊंगा भी कि कैसा इसका एक्चुअल साउंड है, साउंड क्वालिटी क्या है। दिस मॉडल वॉज आई गेस रिलीज्ड फ्यू ईयर्स बैक एंड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग माइक है जैसे कि मैं आपको बोला। एंड इसके रिव्यूज़ भी 4.5 stars ऑन Amazon है। एंड इसका प्राइस है समवेयर नियर 4,500 to 5,000 rupees, ये वेरी करता है डिस्काउंट एंड वगैरह पे, सब कुछ डिपेंड करता है। काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग माइक, लेट्स क्विकली स्टार्ट विद अनबॉक्सिंग। सो दिस इज़ हाउ द बॉक्स लुक्स लाइक, काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ ज़्यादा काम शाम करना पड़ता नहीं है, सीधा प्लग एंड प्ले है तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ देखने को मिलेगा भी नहीं। लेट मी जस्ट क्विकली ओपन इट फॉर यू। जैसे हम बॉक्स ओपन करते हैं, ओके, तो ओपन करते ही हमको माइक दिख जाता है। ये सब फेक अनबॉक्सिंग है, पहले अनबॉक्सिंग कर चुका हूँ। तो दिस हाउ इट लुक्स, ये ओपन होने के बाद इसमें आपको मिलता है, पहले सबसे पहले मिलता है, तो ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव माइक भी है क्योंकि बस बहुत बिल्कुल बल्कि नहीं है, हैवी नहीं है, लाइट वेट है एंड बहुत ज़्यादा सही लगता है देखने में। ब्लू ब्रांड ही अमेजिंग है यार, मतलब कि इसका और एक मॉडल भी आता है ब्लू येटी करके, इससे थोड़ा ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंड साउंड्स लिटिल मोर बेटर, बट आई गेस इट इज़ गुड फॉर बिगिनर्स एंड ऑल, काफ़ी सही है। सो मेरे को ज़्यादा इन्वेस्ट करना जरूरत भी नहीं पड़ा एंड आई डिडंट गो फॉर द हाई वन, आई चोज दिस वन। तो इसको देखते हैं और क्या क्या है बॉक्स में। एंड आई गेस इसमें इसके स्टैंड वगैरह आता है, जैसे मेरे को पता है इसका स्टैंड एक आता ही है एंड कुछ वायर और कुछ मैनुअल्स वगैरह। दिस इज द स्टैंड एंड ये उसका एडजस्ट करने के लिए कुछ स्क्रूज रहे हैं। ऑल यू हैव टू डू इज यू नीड टू टेक दिस बॉल शेप माइक, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, आपको बस इसको ऐसे नीचे से स्क्रू की तरह है ऐसे घुमाना है। काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी फील करता है, ऐसा नहीं है कुछ है नहीं, मतलब लाइट है ऑल्दो बट वेरी प्रीमियम बिल्ट एंड देख के लगता है दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन सम गुड प्रोडक्ट। फिर ये ट्राईपॉड जैसे स्टैंड वगैरह है, इसको आप इजीली ओपन कर सकते हैं एंड यू कैन जस्ट प्लेस इट एनीवेयर एंड यू गुड टू गो। आई मीन काफ़ी ज़्यादा, जैसे मैंने सुना था इसका रिव्यूज़ वगैरह पढ़े थे, बिल्कुल वैसा ही है, नथिंग डिफिकल्ट। तो जैसे मैंने बोला काफ़ी ज़्यादा स्टर्डी है एंड काफ़ी ज़्यादा सही लगता है देखने में। आपको एक साइड मिलता है USB एंड दूसरी साइड को आप कनेक्ट कर देंगे इसके बैक साइड में। अभी फटाफट से देखते हैं, टेस्ट करते हैं कैसा क्या साउंड करता है। आई एम तो वेरी एक्साइटेड, आई हैवंट टेस्टेड इट येट बट मुझे पता है सही साउंड आएगा।
तो जैसे कि मैंने आपको बताया था बहुत इजी टू यूज़ है ये, बस आपको प्लग करना होता है एंड यू गुड टू गो। आई जस्ट ट्राई टू प्लग इट अपने लैपटॉप एंड आपको दिखाता हूँ कितना ज़्यादा सिंपल है इसको ऑपरेट करना। तो जैसे कि देख सकते हो मैंने बस सिंपली यूएसबी प्लग किया यहाँ पे एंड यहाँ पे एक लाइट दिख रहा है, ये लाइट शो कर रहा है कि दिस थिंग इज़ एक्टिव नाउ एंड अभी मैं जो बोलूँगा सब रिकॉर्ड हो सकता है। ऑल आई जस्ट नीड टू डू इज ओपन द रिकॉर्डर ऐप ऑन माय पीसी ऑन माय लैपटॉप एंड जैसे कि मैं इसको भी रिकॉर्ड दबाऊँगा यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग। तो जैसे हम देख सकते हैं कि हमने रिकॉर्डर स्टार्ट कर दिया है एंड इस चीज़ से भी रिकॉर्ड हो रहा है। लेट मी जस्ट क्विकली स्विच फ्रॉम दिस कैमरा ऑडियो टू दिस माइक्स ऑडियो। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अभी मैं टेस्ट कर रहा हूँ द ब्लू स्नोबॉल आइस माइक एंड जैसे कि आपको बताया था इट कम्स इन टू वेरियंट्स, ए ब्लैक एंड वाइट एंड दिस इज द ब्लैक आइस मॉडल। आई होप साउंड वगैरह क्लैरिटी वगैरह सब कुछ आपको समझ आ रहा हो एंड आपको समझ आया तो मेक श्योर यू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड डू लाइक दिस वीडियो, काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है। सो दैट्स ऑल फॉर वीडियो गाइज, अगर आपको पसंद आया तो मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब बटन एंड डेफिनेटली लाइक बटन दबाना बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। अभी हम बहुत सारे व्लॉग्स बनाने वाले हैं, लॉकडाउन खुल चुका है दिल्ली में तो होपफुली थोड़ा सा घुमा घूमी भी होगा, बार बार घूमेंगे भी। आई एम जस्ट वेरी एक्साइटेड अबाउट व्हाट रियली नेक्स्ट इज एंड See you in the next vlog. See ya.